सतनाम वाहेगुरु जी। आज की कहानी हमें समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर कम से कम हमें प्रभु की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। और अभी तो कलयुग का अंतिम समय है, इसमें तो हर एक, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको प्रभु की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। हमें हर समय यह देखना है, चाहे कोई इंसान हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, पर हमारे अच्छे या बुरे कर्म को प्रभु हमेशा देखते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। तो आइए कहानी शुरू करती हूँ। एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था। वह व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसने चतुराई सूझी और काल को अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी काल में धर लोगे, है ना? काल ने कहा, ये तो मृत्यु लोक है, जो आया है उसे मरना ही है, सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ, पर तुम मेरे मित्र हो, इसलिए जितनी रियासत कर सकता हूँ करूँगा ही, मुझसे क्या आशा रखते हो, यह साफ साफ कहो। व्यक्ति ने कहा, मित्र, मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक ले जाने के लिए आने के कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख दें, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह समझा दूँ और स्वयं भी भगवान का भजन करने लग जाऊँ। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको चार पत्र भेज दूँगा, चिंता मत करो, चारों पत्रों के बीच समय भी अच्छा खासा दूँगा, ताकि तुम सचेत होकर काम निपटा लो। मनुष्य बड़ा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया, मैं जाने से पूर्व अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके समीप आकर बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए, मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक भी क्षण तुम्हें और यहाँ नहीं छोड़ सकता। मनुष्य के माथे पर बल पड़ गए, भृगुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर मेरे साथ विश्वासघात करते हुए, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने मुझे वचन दिया था कि लेने आने से पहले तुम्हें पत्र लिखूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि तुम बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो न बोलो, मेरे सामने ही मुझे झूठा सिद्ध कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं चार पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। उस चतुर व्यक्ति ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, कोई प्रमाण है मुझे पत्र प्राप्त होने की, कोई डाक रसीद आपके पास है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे चारों पत्र इस समय आपके पास ही मौजूद है। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़कर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफ़ेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो, नाम बढ़ाई और धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ, पर मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा सा भी असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर दिया और पुनः जवान बनने के सपने में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद
मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी। फिर आँखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगी। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके ज्योति स्वरूप प्रभु का ध्यान कभी मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने आपको तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र में आपके दांतों को छुआ, हिलाया और फिर उन्हें तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब न दिया बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा तो फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों का पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने दौड़ा धूपी में यह चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ पाया। मैं सदा ही यह सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो भी किया राग रंग स्वार्थ और भोगों के लिए किया। जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़कर जो काम करता है वह गलत है। मनुष्य को जब अपनी बातों से काम बनता नजर नहीं आया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र यह मेरे लिए एक धूल के समान है। धन दौलत शोहरत सत्ता ये सब संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। मनुष्य ने कहा, क्या कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें भी प्रिय हो, जिससे तुम्हें भी लुभाया जा सके? ऐसा क्या हो सकता है? काल ने उत्तर दिया, यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करती। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनर्विचार को बाध्य हो सकता था, पर तुम्हारे पास तो यह कुछ भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए पैसे जमीन जायदाद तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम उसी प्रकार जाओगे जैसे कोई भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा, सभी संबंधियों को पुकारने लगा, परंतु काल ने उसके प्राण तब तक पकड़ लिए और चल पड़ा। काल ने कितनी बड़ी बात कही, एक ही सत्य है जो अटल है, वह यह है कि हम एक दिन सब मरेंगे। हम जीवन में कितनी भी धन दौलत जमा करें, कितनी भी शोहरत पाए, कैसी भी संतान हो, यह सब यही रह जाना है, परंतु हम मरेंगे यह एक दिन बस यही एक बार जन्म के साथ तय हो जाती है। काल कभी भी दस्तक दे सकता है, प्रतिदिन हमें उसकी तैयारी में रहना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए कि जिस समय काल आए तो हमारे मन में यह न हो कि हमने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए या प्रभु का भजन सिमरन नहीं किया। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको भी पसंद आई होगी, जिसे आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। सतनाम वाहेगुरु जी।